फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचानक। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के जो एमबीबीएस एंड बीबीएस काउंसलिंग होगा वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारी चीजों के बारे में आज आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले और भी वीडियोज आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं। देखिए, यूपी की अगर एमबीबीएस एंड बीबीएस काउंसलिंग की बात करें तो ये कंडक्ट कराने वाली जो वेबसाइट है वह है upneet.gov.in। यहाँ पे आप मेंशन है एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहां पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी अगर 12th यूपी से हुआ है तो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली यूपी हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी 12th बाहर से है देन इन दैट केस आपकी माता या पिता की जो डोमेसाइल है वो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, तभी आपकी यूपी काउंट होगा। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2022 के बाद वाले चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं काउंसलिंग कैसे होगा। जो मैंने बोला कि upneet.gov.in पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो यूपी नीट की जो आपकी एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड के डिटेल्स के हिसाब से आप फिलअप करेंगे। फिलअप के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें खुल के आएगी। लॉग इन पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप अपनी जो अकाउंटिंग डिटेल से अपने पर्सनल डिटेल से एड्रेस वगैरह सब कुछ देने के बाद वहां पे जाके सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो जमा करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसका एक फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा? डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई होगा वो आपकी नोडल ऑफिस में होगा। नोडल ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है या कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नोडल ऑफिस बनाए जाते हैं, तो आपकी आपका जो नोडल ऑफिस चूज करिए फॉर्म फिलअप के टाइम, तो उस नोडल ऑफिस में जाके आपको अपनी ओरिजिनल 10th 12th की मार्कशीट, आपके नीट के एडमिट कार्ड, नीट के रैंक कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और आपका जो फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगता है उसका प्रिंट आउट लेके जाना होगा। साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे अमाउंट जमा करना होगा और वो डीडी के फॉर्म में। डीडी किस नाम पे बनेगी? डीडी बनेगी जो यहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पेबल एट उत्तर प्रदेश, इस नाम पे आपका डीडी बनेगा। आप डीडी देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट में एमबीबीएस एंड बीबीएस की काउंसलिंग करानी है तो जो डीडी बनेगी वो 30,000 की, और अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज में आपकी काउंसलिंग करानी हो तो डीडी बनेगी 2 लाख की। अगर आप 2 लाख की डीडी बनाते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग आप कर सकते हो, और आपको बीडीएस की काउंसलिंग करानी है प्राइवेट में तो आपको 1 लाख की डीडी बना के वहां पे लेके जाना होगा। एक बार नोडल ऑफिस गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, वेरिफिकेशन के बाद आपके ऑनलाइन आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, तो आप वहाँ पे दोबारा आएंगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया upneet.gov.in पे, आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद देखेंगे चॉइस फिलिंग ऑप्शन, जो डेट होगा उसी हिसाब से आपके अवेलेबल है। आपकी मार्क्स के हिसाब से चॉइस मैक्सिमम फिल कर लीजिए। चॉइस फिलिंग में अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, हम आपको मदद कर देंगे। हमारे काउंसलर से बात करके हमारी काउंसलिंग सेवाएं भी आप ले सकते हो, और उसके बाद पूरी चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना, चॉइस लॉक करना मत भूलिएगा, क्योंकि चॉइस लॉक अगर नहीं होगा तो आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। चॉइस लॉकिंग के बाद फिर जो शेड्यूल डेट है उसी हिसाब से आपकी जो सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद कंपल्सरीली स्टूडेंट को जो सीट अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब है कि आपको आप दोबारा जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो नोडल ऑफिस में आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिली है वो स्लिप भी आपको लेके जाना है और कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। और अगर आप फिर दूसरे राउंड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दूसरे राउंड पे फ्लोट करके दूसरे राउंड पे जा सकते हैं। जो स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड पे कुछ नहीं मिला उन स्टूडेंट को किसी कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हैं। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड मॉपअप राउंड, 3 राउंड पे आप पार्टिसिपेट करेंगे। मॉपअप के बाद अगर कोई सीट होगी अवेलेबल तो स्टे वैकेंसी राउंड पे राउंड भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट को आप याद रखना है कि अगर आपको कोई सीट मिलती है
फर्स्ट राउंड पे, तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सीट्स आपको आपकी नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी ऑल इंडिया लेवल पे कोई सीट्स मिल चुकी है और ये सीट्स आप लेना नहीं चाहते, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने से 2 दिन पहले आप अपना जो एग्जिट ले सकते हो। उस एग्जिट पे आपकी जो टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया आपने उस पर कुछ परसेंटेज कट जाएगी। सेकेंड राउंड के बाद अगर एग्जिट लेते हैं तो परसेंटेज कुछ दूसरा है वो कटेगी। कौन सी एग्जिट पे क्या कितना परसेंटेज आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कटेगी और आपको सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड के बाद कब कब अलाउड है एग्जिट लेना, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे नंबर पे कॉल करिए, एक्सपर्ट से बात करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। हर बारी में कोई ऐसी छोटी गलती मत करिएगा जिसके वजह से आपको जो सीट्स मिली है या मिलने वाली है वो सीट्स आपको ना मिले। तो MBBS काउंसलिंग बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। MBBS की काउंसलिंग अटे टाइम आपकी ऑल इंडिया भी चलेगी और स्टेट भी चलेगी। बहुत सारे बच्चे जो यूपी में, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी स्टेट में अप्लाई करते हैं, साथ साथ में ऑल इंडिया पे अप्लाई करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें अकेला मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक डेडलाइन अगर मान लीजिए आपने मिस कर दिया, कोई भी एक पर्टिकुलर, चाहे चॉइस फिलिंग हो, लॉकिंग हो, यू नो रजिस्ट्रेशन हो या वेरिफिकेशन हो, तो आपकी सीट मिलने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं एक्सपर्ट की काउंसलिंग के साथ जुड़ते हैं, एक्सपर्ट काउंसलिंग करवाते हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग अगर आप करवाएंगे तो कम से कम ये रहेगा उनके पास सारे, हमारे पास जैसे सारे इंफॉर्मेशन होती है तो उसी हिसाब से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये था यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस। हम अगले वीडियो में दूसरे कॉलेजेस या दूसरे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन, MCC की काउंसलिंग जो है टेंटेटिवली 10 तारीख से शुरू होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपी जो काउंसलिंग है वो भी आसपास में शुरू हो जाएगा, मान लीजिए 15-20 तारीख तक शुरू हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाएगी upnet.gov.in। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।